इस बुलेटिन में बात होगी उन खबरों की जो हफ्ते भर बनी सुर्खियां, वो खबरें जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हुई, वो छोटी हो गई थी। साथ ही उन खबरों की भी बात होगी जिनका सीधा सरोकार हम और आपसे है, जो खबरें आपके काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का साप्ताहिक डोज। तो अब आपको जानने की यह भी जिज्ञासा होगी कि वो महत्वपूर्ण खबरें आखिर हैं कौन कौन सी, जिसके बारे में आज हम आपको खबरों के साप्ताहिक डोज में बताने जा रहे हैं। तो डीजल ने पेट्रोल को पछाड़ा, पहली बार किस तरीके से इतिहास में डीजल के दाम भी बढ़े और लोग किस तरीके से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं बात करें लगातार जिस तरीके से डीजल ने पेट्रोल को पछाड़ने के बाद चीन को क्यों चुभ गई भारत और रूस की दोस्ती। दरअसल जब राजनाथ सिंह जब रूस गए तो वहाँ पर जो भारत की तरफ से जो रुख नज़र आया उसको लेकर के जो तनातनी साफ तौर पर नज़र आई। वहीं भारत के समर्थन में अमेरिका और बौखलाया ड्रैगन। अमेरिका जब लगातार भारत के समर्थन की बात कर रहा है क्योंकि कोरोना काल में चीन ने उसको भी बदला लेना है, इसके लिए लगातार WHO अपनी एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, और आज ही देश के PM ने भी किस तरीके से अपील की है। और इस बीच बाबा की दवा कोरोनिल पर भी मचा बवाल, किस तरीके से जब आयुष मंत्रालय ने पहले कहा कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और इस बीच 25 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, रोजगार के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, सेवा योजन कार्यालय में अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। इस बीच गरीबों का कल्याण करने वाली योजना भी लॉन्च हुई है जिसमें लगातार 10,000 तक भी लोन मिलेगा कुंचे वालों को और रेड़ी वालों को, ठेले वालों को, ये भी सरकार के लिए एक योजना बताई जा रही है अहम। वहीं आसमान से बरसी मौत की बिजली, कई जगह पर ऐसे बिहार में किस तरीके से इतिहास मौतें लोगों ने देखी, तो उत्तर भारत में मानसून ने भी दस्तक दे दी जहां पर गर्मी से लोगों को निजात मिली। और इस बीच किसानों की कहीं ना कहीं हालांकि दिक्कतें थोड़ी बड़ी, और कोर्ट के आदेश के बाद धूमधाम से निकली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये यात्रा जो कि कोर्ट के एक दिन पहले ही रथ यात्रा खास पैनी नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इतिहास जिस खबर ने बनाया। देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी जारी है। बीते हफ्ते देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब डीजल की कीमतों ने पेट्रोल को पीछे छोड़ दिया। बीते 21 दिनों से डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। यह पहला मौका है जब डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ और 80 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा। आपको बताते चलें कि 27 जून को पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की वृद्धि की गई और इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे हो गई। सोचिए, अंदाजा लगाइए। वही अगर डीजल की बात करें तो डीजल में 21 पैसे के इजाफे से इसकी कीमत 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब मिल रहा है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हो चुका है। ये भी बता दें कि बढ़ी कीमतों को लेकर देश भर में लोग विरोध जता रहे हैं, सियासी पार्टियां विरोध में उतर आई हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार से तेल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। तो लगातार विरोध प्रदर्शन किस तरीके से जारी है और लोग किस तरीके से मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत और चीन के बीच जो चीन का जो रुख है, चीन की जो चाल है, लोगों में बेहद नाराजगी है। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और रूस संबंध एक विशिष्ट एवं विशेष सामरिक भागीदारी है और दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य अनुबंध बरकरार रहेंगे और कई मामलों को दोनों देश कम समय में आगे लेकर बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सैन्य परेड में उन्होंने शिरकत की। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि मास्को की यात्रा COVID-19 महामारी के मंडल की पहली विदेश यात्रा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस संबंध एक विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी है। हमारे रक्षा संबंध इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। रूस के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा दोनों के बीच हुई चर्चा बेहद सकारात्मक रही। मुझे आश्वासन दिया गया है कि दोनों देशों के बीच चल रहे अनुबंधों को कायम रखा जाएगा
और न केवल कायम रखा जाएगा बल्कि कई मामलों पर कम समय में आगे भी बढ़ा जाएगा। हमारे सभी प्रस्तावों पर रूस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली भी भारत को मिल सकती है। जी हाँ, S-400 मिसाइल, ये वो नाम है जो रक्षा प्रणाली भारत को मिल सकती है और भारत को मिलने के बाद मजबूती आएगी रक्षा के क्षेत्र में भारत को। राजनाथ सिंह का रूस का दौरा ऐसे वक्त में रहा जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव, राजनाथ सिंह ने अनदेखी भी की। और इस बीच चीन की एशिया में बढ़ती दादागिरी के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने हालांकि कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इस बीच अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है और यहां पर यह भी बताना बेहद जरूरी है कि माना यह जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा तो अमेरिका यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है। अब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम LAC कहते हैं, उसके पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना से भी खतरा बना हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण साफ तौर पर कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों के चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला कर सके। पोम्पियो ने यह भी साथ ही साथ कहा कि सैनिकों की तैनाती जमीनी स्थिति की वास्तविकता के आधार पर की जाएगी। और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ जगहों पर अमेरिकी संसाधन कम रहेंगे, कुछ अन्य जगह भी होंगे। मैंने अभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खबरों की बात कही है, खतरा साफ तौर पर है और उसी खतरे को जो खतरा मंडरा रहा मैंने बात कही। इसीलिए अब भारत को खतरा, वियतनाम को खतरा, मलेशिया, इंडोनेशिया को खतरा, दक्षिण चीन सागर की चुनौतियाँ हैं। अमेरिका ने खतरों को देखा है और समझा है कि साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री कैसे, संसाधनों को कैसे बांटा जाए, इस बात को बात करेंगे। कोरोना वायरस, भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में अब संक्रमितों की संख्या 5,00,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1,60,095 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 19,906 नए मामले सामने आए हैं और 410 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। सोचिए, जो 15वें नंबर पर था अब टॉप 10 में भी आया, अब टॉप 5 में भी आ गया। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। देश में इस वक्त 2,00,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 66,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन एक राहत की बात है, वो भी हम अपने दर्शकों से शेयर कर दें, कि रिकवरी रेट भी भारत का अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो कोरोना वायरस के लिए इस बीच दवाएं लगातार बनाई जा रही हैं, वैक्सीन्स को लेकर के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवाई लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण बाद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद बाबा रामदेव की दवा को एक और बड़ा झटका लगा। इस बार उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठा दिए। अथॉरिटी ने कहा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा कोरोना की किसी दवा का दावा किया जा रहा है, जबकि उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। वहीं राजस्थान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले में बाबा रामदेव को चेतावनी भी दी कि बिना किसी पुख्ता क्लिनिकल ट्रायल के उनकी कंपनी को कोरोना की दवा बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, परिस्थितियां भले ही कितनी क्यों ना प्रतिकूल हों। अधिक केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड 19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग तक कर डाली। सोचिए, एक दवा और कानूनी कार्रवाई उस पर कितनी ज्यादा। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि महामारी से लड़ने का काम हम भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह के प्रयोग अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो दवा पर किस तरीके से लगा। खबरों का साप्ताहिक डोज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लॉन्च कर दिया और इसके जरिए घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और रोजगार के मौके बनाने के लिए उद्योग संगठनों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वर्चुअल लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने यूपी के 6 जिलों के ग्रामीणों से कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए बातचीत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अभियान के जरिए प्रदेश में 1,25,00,000 कामगारों का विभिन्न परियोजना। पीएम मोदी ने कहा, जब तक कोविड 19 की वैक्सीन नहीं विकसित होती तब तक हमें 2 गज दूरी बनाकर रखनी होगी और मास्क पहनना होगा। हम सभी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, हमारे सामाजिक जीवन में भी गांव में शहर में अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती ही रहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, जिस तरह वो जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी इससे प्रेरणा पाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपी के कई ग्रामीणों से बात की और उनके जज्बे और उत्साह की सराहना की। आपको बता दें कि इस योजना से यूपी के करीब 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। पीएम ने कोरोना महामारी से निपटने में यूपी के उपायों की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब यूपी ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता दिखाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, पूर्व है, प्रशंसनीय है। इस दौरान पीएम ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है और कोरोना संक्रमितों की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि यहां पर योगी के हॉटस्पॉट मॉडल की काफी सराहना हो रही है और जिसकी बात लगातार की जा रही है कि अन्य राज्यों को भी योगी मॉडल को अपनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें काफी हद तक कामयाबी हासिल की। वहीं बात करें जो रोजगार के अवसरों की, देश के गांव में स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत की। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांव के विकास के लिए रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 काम या प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं, जो गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये काम अपने ही गांव में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए ही किए जाएंगे। यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि लॉन्च के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा
कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों में बिहार वापस आने वाले मजदूरों से बातचीत की। उन्हें महसूस हुआ कि दूसरे राज्यों में काम के लिए वापस नहीं जाने चाहते। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महानगरों से वापस लौटकर अपने जिले में आए, ऐसे में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक अहम चुनौती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि जो अन्य राज्यों से जो मजदूर आए हैं उनको कोशिश सरकार रोजगार पाए और इसके लिए डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है, सर्वे भी कराया जा रहा है। इस बीच तमाम खबरों के बीच जो इस हफ्ते की सुर्खियां जो बनी, तेज बारिश किस तरीके से कहर बनी। इस हफ्ते बिहार में तेज बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी। बिहार में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 83 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। उत्तर बिहार सहित सूबे के कई जिलों में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बिजली की चपेट में आकर मौत का शिकार हुए लोगों में सबसे ज्यादा गोपालगंज के 13 लोगों की मौत हुई। आकाशीय बिजली की चपेट में कई मासूम बच्चे और महिलाएं भी आईं। कई छोटे बच्चे बुरी तरीके से झुलस चुके थे। जानकारी के मुताबिक जिस दौरान तेज बारिश हुई उस दौरान अधिकांश लोग अपने खेतों में गए हुए थे। आकाशीय बिजली से कई लोगों के घर में भीषण आग लगी जिसमें कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। बिहार आपदा के लिए अपनी तैयारी हालांकि कर ली गई, वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश के दौरान घर से निकलने से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर घर से बाहर हैं तो बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे ना ठहरें। अगर आसमान में बिजली कड़क रही हो तो घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। बिजली चमकते समय मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको अपना करके आप बच सकते हैं बहुत हद तक। लेकिन इस बीच मानसून ने दस्तक दे दी तो देश भर के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की दस्तक हुई जिसकी वजह से राज्यों के कई इलाकों में तापमान में गिरावट आई। वहीं असम में हुई बारिश से 38,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अंदाजा लगाया जा सकता चौंकाने वाली। वहीं पंजाब के उत्तरी हिस्सों की तरफ भी झमाझम बारिश देखने को मिली जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं हरियाणा में भी बारिश ने दस्तक दी। आमतौर पर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार पहले ही राज्यों में बारिश देखने को मिली। मानसून जल्द ही उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी दस्तक देगा। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में अगले 24 घंटों में मानसून दस्तक देगा जिसके बाद से देश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया और सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं जिसके चलते नदी के किनारे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। खास करके अगर बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच बात करिए आस्था की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। सुप्रीम कोर्ट की सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम निर्देशों के बीच रथ यात्रा की मंजूरी मिली, इसीलिए बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा से पहले सुबह मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया गया। कोर्ट ने कहा था कि एक रथ को 500 से ज्यादा लोग ना खींचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वहीं सरकार ने सुनवाई में कहा था कि यदि परंपरा टूटती है तो फिर अगले 12 साल तक रथ यात्रा नहीं निकलेगी। गुडिंचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। यहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं, इसके बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर इन्हीं रथों में बैठकर मुख्य मंदिर पहुंचेंगे और इसे बढ़ुआ यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ अन्य रथों की तुलना में बड़ा होता है और रंग लाल पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है, पहले बलभद्र फिर सुभद्रा का रथ नंदी घोष कहते हैं।
कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 45.6 फीट होती है। प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। रथ यात्रा से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सभी पुजारियों की कोरोना जांच की गई। हालांकि इस बार रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल होने का मौका नहीं मिल सका। 2500 साल से ज्यादा पुराने रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, लेकिन भक्त घरों में कैद हैं। उनसे अपील की गई कि वो यात्रा के वक्त अपने घरों में ही रहें, लेकिन साफ तौर पर किस तरीके से